ये वाली रिंग यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे डोरी लगाने की, डोरी लगाने के बाद टेफलॉन लगाने का और इसको मीडियम टाइट करने का, और पानी टपके तो ज़्यादा टाइट करने का लेकिन मीडियम टाइट करने का, डोरी लगा और टेफलॉन लगा उसको बड़ी टाइट करने की, ये रिंग रखने की। ये टंकी में से पानी खींचने की पाइप, उसका आगे ये फुटवाल लगेगा नीचे, ये इस तरह लगेगा, इसको अंदर डाल दिया और यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है, इसको लगा दिया। अब इसको ना टंकी के अंदर पूरा डुबो नहीं देने का, टंकी के तलिए से थोड़ा ऊपर इसको तिरता रहना चाहिए, क्योंकि इसको इसको डुबो देंगे तो सबसे ज़्यादा कचरा मिट्टी जो होता है वो टंकी के तलिए में होता है, इसके लिए इसको डुबो नहीं देने का है, इसको थोड़ा सा अधर रखना है कि कचरा मिट्टी इसके अंदर ना आए, और इसके ऊपर थोड़ा सा और पतला मटेरियल कपड़ा बांध देने का ताकि पंप के अंदर कचरे मिट्टी वाला पानी ना जाए, इसका खास ध्यान रखने का। पंप के अंदर पानी चोखा जाना चाहिए, इसका खास ध्यान रखने का। कितना भी महंगा पंप लो वो बिगड़ता है, इसलिए कि कचरा मिट्टी वाला पानी आता है तो बिगड़ता है, बराबर। तो अपने चोखा पानी वहाँ पर देखा कि टंकी में जब पानी खींचने की पाइप का हो गया, ये हो गया प्रेशर कम ज़्यादा करने की रिटर्न पाइप। इस पर भी आगे रिंग लगेगी, यहाँ पे डोरी लगाओ, टेफलॉन लगाओ, ठीक है, इसको टाइट कर दो। ये वाली पाइप और ये वाली पाइप जो पंप की साथ में देती है वो दोनों पाइप टंकी में जाएगी, और दोनों वाली पाइप यहाँ पे लगा दो तो ये दो बंद रखने के, यहाँ पे लगाओ तो ये दो बंद रखने के, और यहाँ पे लगाओ तो ये दो बंद रखने के, और तीनों में साथ में चलाने का नहीं, कोई एक में पाइप लगाने की, ये तीन में से एक में, ठीक है। अगर ये तीनों में डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो अब डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर कंपनी ने दिया हुआ है। अगर ये तीनों भविष्य में कुछ किसी कारण टूट जाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हो, भविष्य की बात है, अभी की बात नहीं। ये वाला जो है जितना टाइट करोगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना प्रेशर कम होगा, तो इसको हमेशा नीचे रखने का, ऊपर नहीं रखने का, इसको हमेशा नीचे रखने का, ठीक है। ऊपर रखोगे तो प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों डब्बे के अंदर ग्रीसिंग करने का, अभी ग्रीसिंग किया हुआ है, हफ्ते में एक बार ग्रीसिंग करने का। अभी ग्रीसिंग किया हुआ होगा, देखो इसमें, अरे तो पूरा ही निकल गया, देखो ये तीनों डब्बे के अंदर ग्रीसिंग करने का, अभी इसमें ग्रीसिंग किया हुआ है, ये भर देने का ना, ये हाँ तीनों डब्बे के अंदर ग्रीसिंग करने का, हफ्ते में एक बार करने का। सिंगल बेल्ट पे नहीं चलेगा? सिंगल बेल्ट पे चलाओ, सिंगल बेल्ट पे चलेगा सब बने, ठीक है। पंप को थोड़ी पता है कि मैं किस तरह चल रहा हूँ, उसको तो खाली चलना चाहिए यार। हो गया ना आपका? नहीं 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 चालू है, तो कपड़े बेटा साफ करवाऊँ फटाफट। यहाँ से ऑयल डालने का 20-40 इंजन ऑयल, अभी एक बूंद भी ऑयल नहीं है, ऑयल डाले बिना पंप चालू करने का नहीं, ऑयल डाले बिना पंप चालू करोगे तो जितना पंप है उससे महंगा खर्चा आ जाएगा, इसका खास ध्यान रखने का। यहाँ से ऑयल डालने का 20-40 इंजन ऑयल, एक लीटर डालने का। ये पीछे कांच दिया हुआ है और उसके नीचे बोल्ट दिया हुआ है, वो बोल्ट खोल के ऑयल निकालने का। पहला ऑयल जब आप डालोगे 20-40 इंजन ऑयल एक लीटर, वो 7 डेज में चेंज करना है, जूना निकाल के फेंक देना है 7 दिन के बाद, फिर नया डालना है। वो ज़्यादा काम हो तो 1.5 महीने में चेंज करना है, वो लिमिटेड मीडियम काम हो तो 2-2 महीने में चेंज करना है 20-40 इंजन ऑयल। और मोटर का सबसे खास है कि यहाँ पर जॉइंट नहीं मारने का, अंदर से ये दो वायर जहाँ पर लगे हुए वहाँ से अंदर से वायर लगाने का, 7-20 का जाड़ा कॉपर का वायर और 15 एम्पियर का प्लग मारने का, और MCB स्विच से नजीक रखने का, MCB स्विच रखने की, ठीक है। और यहाँ पर भी लगी हुई है, वहाँ पर भी लगी हुई है, ठीक है, और 15 एम्पियर का प्लग रखने का। ये हो गया पंखा।